वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12th बायोलॉजी। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने जेनेटिक्स और उसकी टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से समझ ली, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तीनों प्रिंसिपल और उनमें क्या फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियोज निकलते हैं ये भी समझ लिए, कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस ये तीनों कंसेप्ट हमें समझ आ गए, मल्टीपल एलील्स हमें समझ में आ गए, प्लियोट्रॉपिक का फिनोमिनन हमें समझ में आ गया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टीएच मॉर्गन ने दिया था और हमें ये कंसेप्ट भी समझ में आ गए कि लिंकेज क्या होती है, रिकम्बिनेशन क्या होती है, जेनेटिक मैप कैसे बनते हैं, लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। और पिछले लेक्चर में लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे व्हाई डिडंट मेंटल ऑब्जर्व लिंकेज, जो इसका ऑब्वियस सा आंसर बनता है वो ये बनता है कि मेंडल ने 7 ट्रेट स्टडी किए थे और पाइसम सेटाइवम गार्डन पी में 7 क्रोमोसोम होते हैं, तो 7 ट्रेट 7 क्रोमोसोम, तो इसमें इंडिपेंडेंट एजॉटमेंट होती रही और लिंकेज का मेंडल को पता नहीं चला। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, मेंडल ने जब 7 करेक्टरिस्टिक्स पाइसम स्टाइवम में स्टडी किए थे तो उसमें से कुछ ट्रेट्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे। कैसे थे ये देखिए, क्रोमोसोम 1 के ऊपर 2 ट्रेट थे, क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर 3 ट्रेट थे, क्रोमोसोम 5 पे 1 था, 7 पे 1 था। हुआ ये कि जो कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स मेंडल ने 99% स्टडी किए वो या तो ये कम्बिनेशन थे, भाई दोनों अलग अलग क्रोमोसोम थे, या इसके साथ इसको स्टडी कर लिया, या इसको स्टडी कर लिया, या इसके साथ इसको स्टडी कर लिया। अगर इन दोनों को भी स्टडी किया तो ये दोनों इतने एक दूसरे से दूर थे कि इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही हुआ, रिकम्बिनेशन हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में उसने इन दोनों को भी स्टडी किया था जो क्लोजली लिंक्ड थे और इस एक्सपेरिमेंट में उसको 9:3:3:1 का रेशो नहीं मिला था, लेकिन वो अपने बाकी एक्सपेरिमेंट्स में और अपना पेपर फाइनलाइज करने में इतना बिजी था कि उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार इग्नोर कर दिया, सोचा मैं बाद में इस पे काम करूँगा। अगर वो एक आधा एक्सपेरिमेंट और कर लेता तो हो सकता है लिंकेज भी मेंडल जी ही हमें शुरू में बता देते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फिनोमिनन इन हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज, ऑप्शंस हैं देयर वर मैनी क्रोमोसोम्स टू हैंडल, ऐसा तो नहीं था, करेक्टर्स ही स्टडीड वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ही डिड नॉट हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप, ही स्टडीड ओनली प्योर प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है? ऑप्शन बी को ही टिक करना है, क्योंकि जो उसने एक्सपेरिमेंट किए, जो करैक्टर्स के पेयर उसने चूज़ किए वो जनरली डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड थे। ये देखिए इसका आंसर, द मेन ड्रॉबैक इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स इज दैट लिंकेज वाज नॉट डिफाइंड बाय मेंडल इन हिज क्रॉस, द करैक्टर्स विच ही स्टडीड वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अदरवाइज इफ इट वॉज लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम लिंकेज वुड हैव अकर्ड एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड एंड इंटरप्रेटेड बाई मेंडल वुड शो सम डिफरेंस, दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो हमने कंप्लीट डोमिनेंस समझ लिया, डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट समझ लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें समझ आ गई, को डोमिनेंस हमें समझ आ गई, मल्टीपल एलील्स की हमने बात कर ली और प्लियोट्रोपी की हमने बात कर ली, लिंकेज की हमने डिटेल में अब बात कर ली है। अब आगे चलते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा और सीखा है, यानी कि एक जीन कंट्रोल कर रहा था एक फीनोटाइप को, दूसरा जीन था वो दूसरे फीनोटाइप को कंट्रोल कर रहा था,
ये दोनों जीन लिंक हो सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं। ये चीज भी हमें समझ आ गई कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को अफेक्ट कर सकता है, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं यस प्लियोट्रॉपी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जीन एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और पेज 85 एनसीईआरटी के ऊपर ये डिस्क्राइब किया हुआ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट क्लियर कट या कंट्रास्टिंग, जैसे मेंडल ने स्टडी किए थे कि टॉल है शॉर्ट है, रादर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। कोई ट्रेट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ग्रेडियंट में, जिनका फिनोटिपिक अपीयरेंस हो, उनका एक फिनोटिपिक स्पेक्ट्रम बनता है ऐसे ट्रेट्स का, जैसे स्किन कलर। स्किन कलर में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं कर सकते। ये जो कॉलम्स आपको लंबे लंबे दिखाए हैं ये समझाने के लिए दिखाए हैं, अदरवाइज ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है स्किन कलर्स में कि उसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाएँ कि भाई ये स्किन कलर है। उसमें एक ग्रेडियंट होता है स्किन कलर में। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाई थ्री और मोर जीन्स एंड आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ये इम्पोर्टेंट है, थ्री और मोर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे जो ट्रेट्स हैं जिनमें फिनोटिपिक आउटकम का ग्रेडियंट बनता है, ये फिनोटाइप एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील, या ईच जीन आप इसे बोल सकते हो, कि अगर पांच जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो पांचों इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, एडिटिव इफेक्ट देंगे। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, स्किन कलर, आई कलर एंड वेट, ये ह्यूमन के या एनिमल्स के अगर ट्रेट्स की आप बात करें तो ये सारे ट्रेट्स पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहलाती है, क्योंकि डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ अलील्स अवेलेबल, इसलिए बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील्स बढ़ती जाएगी, इस ट्रेट की एक्सप्रेशन ग्रेडियंट में बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये सारे के सारे रिसेसिव अलील है मान लीजिए, तो लाइट टेस्ट स्किन कलर होगा। सारे के सारे छः के छः डोमिनेंट हैं, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है कि अगर तीन अलील कंट्रोल कर रहे हैं, तीन जीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके छः अलील हुए। अगर ये छः के छः डोमिनेंट हैं तो डार्केस्ट है, छः के छः रिसेसिव हैं तो लाइटेस्ट है, और तीन डोमिनेंट तीन रिसेसिव हैं तो इंटरमीडिएट कलर है। और यहाँ आप देखिए ये ग्रेडियंट बन रहा है कलर में, कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जैसे मेंडल ने स्टडी की थी कि ब्लैक एंड वाइट, ये है ग्रेडियंट। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मिनिमम जीन कितने होंगे? तीन जीन होंगे। अगर हेट्रोजाइगस फॉर थ्री अलील्स है, कोई जनरेशन F1 जनरेशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो ये रेशियो बनेगी 1:6:15:20:15:6:1। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बेशक मत याद करिएगा। तो अब हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी समझ ली, तो अब आगे की बात करते हैं। तो ये जीन इस फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, इस जीन के दो अलील हैं, इन दोनों अलील के बीच कोई इंटरेक्शन हो रही है, या तो कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट रिसेसिविटी है, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट रिसेसिविटी है, या को डोमिनेंस है, या
ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, एक से ज़्यादा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो भी इंट्रैक्शन हो रही है इन अलील्स के बीच में हो रही है विद इन दिस जीन, और इस इंट्रैक्शन के बाद जो भी आउटकम निकला उससे फिनोटाइप कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हम समझ गए। जीन से कोई प्रोडक्ट बनता है जिसकी वजह से ये फिनोटाइप एग्जिबिट होता है। ये कोई प्रोडक्ट बनाया जीन ने जिसकी वजह से ये फिनोटाइप बन गया। अब ये जीन और ये जीन मिलके एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रही है। इसके अलील विद इन दिस जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके अलील विद इन दिस जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों जीन जो प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, जो इन फिनोटाइप्स को अफेक्ट करेगा, वो इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो इंट्रैक्शन विद इन जीन होती हैं, ऐसे इंट्रैक्शंस को बोलते हैं इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस। क्लियर है? और अगर एक ही फिनोटाइप मोर देन वन जीन से कंट्रोल हो रहा है तो इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इंट्रैक्शन। और इन दोनों तरीके की इंट्रैक्शन में ही हर एक जीन अपना प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली बना रहा है, जैसे जीन G1 P1 और P2 को अफेक्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट से, G2 अपने प्रोडक्ट से, G3 अपने प्रोडक्ट से। पॉलीजीनिक में सिर्फ फ़र्क क्या है कि तीनों के इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट आ रहे हैं और इस फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जीन टू जीन को इंट्रैक्शन नहीं हुआ जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो क्या जीन और जीन के बीच में भी कोई इंट्रैक्शन हो सकती है? और ऐसी इंट्रैक्शन की फिनोटाइप को डायरेक्टली अफेक्ट ना करके इस प्रोडक्ट को ही अफेक्ट कर दे जो एक जीन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे अफेक्ट कर दे कि इसका जो ये प्रोडक्ट था वो ही अफेक्ट हो गया, और उस प्रोडक्ट को अफेक्ट करने की वजह से फिनोटाइप चेंज हो गया, ऐसी इंटरेक्शंस को बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। तो तीन तरीके की इंटरेक्शन है, इंट्राजेनिक, पॉलीजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। जो इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस हैं उनको अलीलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, यानी बिटवीन अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, अलीलिक इंटरेक्शन। जो इंटरजीनिक हैं उन्हें बोलते हैं नॉन अलीलिक, क्योंकि जीन से जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। अलील वर्ड जब भी यूज़ होता है वो विद इन जीन ही यूज़ होता है। अगर ये इसके साथ हाय हेलो कर रहा है तो वो जीन टू जीन कर रहा है, तो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शंस को। किसी किसी लिटरेचर में दो टर्म आपको और लिखे मिलेंगे, इंट्रा अलीलिक और इंटर अलीलिक। एक्चुअली साइंटिफिकली टर्म दो ही हैं, अलीलिक एंड नॉन अलीलिक, लेकिन ये टर्म भी कहीं यूज़ होते हैं। तो चाहे वो इंट्रा अलीलिक लिखा हो तो वो भी इंट्राजेनिक ही है, यानी जीन की जगह अलील वर्ड यूज़ कर लिया उसने। इंटर अलीलिक है तो अलील वर्ड मैंने बताया हमेशा जीन के अंदर ही यूज़ होता है, वो भी इंट्राजेनिक ही होती है। और इन तीनों किस्म की इंट्रैक्शंस को कंबाइन फॉर्म में हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग जीन इंट्रैक्शन। क्लियर? इंटरजीनिक जो इंट्रैक्शंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये स्लाइड मैंने ग्रे करके दिखाई है, क्योंकि सभी कोचिंग सेंटर्स के लिटरेचर में बुकलेट्स में आपको ये डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन इसमें से आजकल कोई सवाल नहीं पूछा जाता। पुरानी एनसीईआरटी में ये आपके सिलेबस में थी, नीट के या AIPMT के पुराने पेपर अगर आप देखेंगे तो इंटरजेनिक इंट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये सेक्शन हटा दिया गया है। ब्रॉडली सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कि ये इंटरजीनिक इंट्रैक्शंस 8 तरीके की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, इनिबिटरी फैक्टर, डुप्लीकेट फैक्टर, पॉलीमरिज्म, कोलेबोरेटिव, कम्युलेटिव और
एडिटिव, और ये इनके रेशोज़ याद करने पड़ते थे। यहाँ पे एक दो चीज़ें सिर्फ मैं आपको बता दूँ। एपिस्टेसिस, जो हमने अलील्स में डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ा था ना, ऐसे ही अगर जीन में एक जीन दूसरे जीन को डोमिनेट कर ले तो उसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। जो डोमिनेंट जीन होता है उसे बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन, जो रिसेसिव होता है उसको हाइपोस्टेटिक बोलते हैं। लेकिन जो एपिस्टेटिक जीन है वो अगर अपनी डोमिनेंट फॉर्म में दूसरे जीन को डोमिनेट करता है तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अगर वो अपनी होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देता तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, और दोनों में रेशो अलग-अलग आते हैं। दूसरे जो आठवें नंबर पे क्यूमुलेटिव एडिटिव है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ दो जीन के बीच में होती है। अगर यही तीन जीन के बीच में या उससे ज़्यादा जीन के बीच में हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस और इनकी रेशियोज़ के बारे में आपको और डिटेल जाननी हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक अलग से मैं मिनी लेक्चर बना के इसके ऊपर भी आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले इंसेक्ट्स में ऑब्जर्वेशंस हुई थी, ये साइटोलॉजिकल सेलुलर लेवल पे, जहाँ से हमें पता चला था कि क्रोमोसोम्स प्ले ए रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हरमन हैंकिंग, ये नाम इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम इन 1891। फायर बक एक इंसेक्ट होता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, यानी न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी चीज़ है विच डिड नॉट टेक पार्ट इन मियोसिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो मियोसिस हो रही है उसमें एक न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। 50% स्पर्म्स में तो वो स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद चला जाता है, 50% में वो नहीं जाता है। उन्होंने इसका नाम रखा एक्स एलिमेंट। एक्स क्यों? क्योंकि वो अनश्योर था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है या कुछ और कोई ऑर्गेनेल है, उसको क्लियर नहीं था, उसको नाम कुछ सूझा नहीं, उसने कहा कोई एक्स एलिमेंट है। एनसीईआरटी की बुक में हमारे इसको लिखा हुआ है एक्स बॉडी, तो यहाँ से एक्स क्रोमोसोम का नाम आया है, इस एक्स से। कोई लोग कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं है। उसने एक्स रखा क्योंकि ही वॉज अनश्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी। फिर 1905 में एडमंड विल्सन, विल्सन का नाम यहाँ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। विल्सन वही है जिन्होंने सटन बोवरी थ्योरी का भी नाम दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। सो विल्सन डिस्क्राइब्ड ए पेयर ऑफ अनइक्वली साइज्ड क्रोमोसोम्स विच सेग्रीगेटेड इन ए 50-50 रेशियो अमंग इंसेक्ट स्पर्म, और उसने इनको नाम दिया स्मॉल वाले को एस, लार्ज वाले को एल। फीमेल सोमेटिक सेल्स कंटेन्ड टू कॉपीज ऑफ लार्ज क्रोमोसोम। विल्सन ने देखा कि ये जो क्रोमोसोम है फीमेल में तो दो कॉपी हैं इसकी, मेल में एक ये है और एक ये है, सोमेटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, अदर देन स्पर्म्स एंड ओवम। फिर 1909 में विल्सन कंक्लूडेड दैट द अनइक्वल क्रोमोसोम्स वर इंडीड सेक्स डिटर्मिनेंट्स, कि ये जो छोटे और बड़े क्रोमोसोम मैंने ऑब्जर्व किए हैं ये सेक्स को डिटर्मिन करते हैं, ये विल्सन ने बताया 1909 में। और हैंकिन
ने जिस हिसाब से नाम रख दिया था एक्स बॉडी या एक्स एलिमेंट, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने लार्ज वाले को नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। और क्योंकि यहाँ एक्स यूज हुआ था, छोटे वाले को विल्सन ने नाम दे दिया वाई क्रोमोसोम। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज क्रोमोजोम्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, दीज आर डेजिग्नेटेड टू बी सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम्स को एलोजोम्स भी बोलते हैं, और जो बाकी क्रोमोजोम्स होते हैं उनको ऑटोजोम्स बोलते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट, एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला भी शामिल है उसमें, मैमल्स में और ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एक्स वाई सिस्टम, यानी मेल में एक्स और वाई, फीमेल में एक्स और एक्स। एनसीईआरटी के मुताबिक ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई सिस्टम होता है, तो हमें ये ही याद करना है। एक्स वाई सिस्टम मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ह्यूमन मेल में 46 होते हैं 23 पेयर्स, फीमेल में भी 46 होते हैं 23 पेयर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि एक क्रोमोजोम, मान लीजिए 46 उसको नंबर दे दीजिए, 46 फीमेल में एक्स होगा, मेल में वाई होगा। क्लियर? तो ये एडमंड विल्सन का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन स्टीवंस नाम के भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन्हीं दिनों इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था यही सिस्टम। साइंस की हिस्ट्री में स्टीवंस और विल्सन दोनों को ही क्रेडिट दिया जाता है एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम की डिस्कवरी का। ड्रोसोफिला की मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी में एक्स वाई सिस्टम लिखा है, इनफैक्ट ड्रोसोफिला में एक्स वाई सिस्टम से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन ये स्लाइड भी मैंने ग्रे की हुई है क्योंकि आपको ये एडिशनल इनपुट मैं दे रहा हूँ। उसमें होता है जीनिक बैलेंस सिस्टम, जो एक साइंटिस्ट थे कैल्विन ब्रिजेस, 1921 में उन्होंने ये चीज़ समझाई थी। ह्यूमंस की तरह वाई क्रोमोजोम मेलनेस नहीं देता। इसमें वाई क्रोमोजोम में कुछ जीन्स होते हैं जो स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन सेक्स जो डिटरमिन होता है वो डिटरमिन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स टू नंबर ऑफ हैप्लॉयड सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स, और ईच सेल डिसाइड्स वेदर टू बी मेल और फीमेल इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ओकेजनली ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ड्रोसोफिला बनता है जिसमें आधी सेल्स मेल होती हैं, आधी सेल्स फीमेल होती हैं, उन्हें बोलते हैं गाइनी एंड्रोमॉर्फ्स। गाइनी मीन्स फीमेल, एंड्रो मीन्स मेल, गाइनी एंड्रोमॉर्फ्स। ये होता है ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स टू हैप्लॉयड सेट ऑफ ऑटोजोम्स का रेशो अगर 1 है तो नॉर्मल फीमेल, जहाँ जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ नॉर्मल फीमेल, जहाँ 0.5 आ जाएगा वो नॉर्मल मेल, जहाँ पे 1.5 या 1.3 या 0.6 या 0.3 वो मेटा मेल, मेटा फीमेल वगैरह बनेंगे। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर बता रहा हूँ आपको, तो फिलहाल इसको ना पढ़िए। सेकेंड सिस्टम होता है एक्स वाई सिस्टम के अलावा एक्स ओ सिस्टम, उसको बोलते हैं, ओ मीन्स ज़ीरो। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये एक्स ओ सिस्टम से सेक्स डिटरमिन होता है। सारे एक्स जो हैं उनमें एक एक्स क्रोमोजोम प्लस ऑटोजोम्स, और स्पर्म्स में कुछ में एक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम्स के साथ होगा, कुछ में सिर्फ ऑटोजोम्स होंगे। अब जो एग है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो प्रोजेनी बनेगी, ऑफस्प्रिंग बनेंगे फीमेल। और जो एग ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था, वो बनेंगे मेल। ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? नो, एक्स वाई सिस्टम में इक्वल थे, एक्सो सिस्टम में इक्वल नहीं है। ग्रास हॉपर इसका एग्जाम्पल है।
जिसमें मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होंगे। जीरो क्यों लिखा? ओ जिसको बोल रहे हैं हम, क्योंकि वाई नहीं है, यहाँ वाई का कोई सिस्टम नहीं है ग्रास होपर में। एक्स वाई और एक्स ओ सिस्टम दोनों में ही मेल जो है वो स्पर्म डिफरेंट टाइप के बना रहा है। एक्स वाई में 50% स्पर्म ऐसे हैं जो एक्स को कैरी कर रहे हैं, 50% स्पर्म ऐसे हैं जो वाई को कैरी कर रहे हैं, और एक्सो सिस्टम में 50% स्पर्म ऐसे हैं जो एक्स को कैरी कर रहे हैं, 50% स्पर्म ऐसे हैं जिनमें एक्स नहीं है, यानी मेल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमीट, मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है मेल प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स, और ये किस में देखेंगे हम? एक्स वाई और एक्सो सिस्टम में। तीसरा सिस्टम होता है जेड डब्ल्यू सिस्टम, इसको बोलते हैं। ये एक्स वाई सिस्टम का इनवर्स है, बर्ड्स में होता है ये। इसमें फीमेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के गमीट्स प्रोड्यूस करती है। फीमेल में जेड डब्ल्यू प्लस ऑटोसोम्स होते हैं, मेल में जेड जेड प्लस ऑटोसोम्स होते हैं। जैसे वहाँ फीमेल में एक्स एक्स था, यहाँ मेल में जेड जेड है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी सेम होगा मेल और फीमेल में, जैसा एक्स वाई सिस्टम में था। ये डायग्राम पेज 86 पे हमारे दिया हुआ है, फिगर 5.12, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाई क्रोमोसोमल डिफरेंसेस। ए और बी दोनों एक्स वाई सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला दिखाया है। बर्ड्स में जेड जेड और जेड डब्ल्यू, यहाँ फीमेल में एक्स एक्स है, यहाँ मेल में जेड जेड है, यहाँ मेल में एक्स वाई है, यहाँ फीमेल में जेड डब्ल्यू है, और यहाँ एक टर्म और आ रहा है जिसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी का तो हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें लिखा है बोथ दी ह्यूमन्स एंड इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोजोम्स। इसको वर्ड को लिखा है उसने होमोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक तो हमें समझ आ गया है, होमोगेमेटिक वर्ड टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस डायग्राम के इस फिगर के नीचे लिखा हुआ है होमोगेमेटिक, यानी कि ह्यूमन की फीमेल, ड्रोसोफिला की फीमेल और बर्ड्स के मेल, इनके जो गेमीट्स हैं वो एक जैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस टर्म को बोलते हैं होमोगेमेटिक। और मेल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला के हेट्रोगेमेटिक, और बर्ड्स की फीमेल होती हैं हेट्रोगेमेटिक। एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम, प्लॉयडी सिस्टम भी बोलते हैं, नॉन एलोसोमिक सिस्टम। एलोसोम्स मैंने आपको बताया था सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, तो नॉन एलोसोमिक का मतलब इस सिस्टम में मेल फीमेल डिसाइड करने में ना एक्स वाई की ज़रूरत है, ना एक्स ओ की ज़रूरत है, ना जेड जेड या जेड डब्ल्यू की ज़रूरत है। इसमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है? हनी बीज में ये सिस्टम होता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो ऑफस्प्रिंग बनेंगे फीमेल। वो फीमेल दो टाइप की होगी, एक क्वीन बनेगी, बाकी सब वर्कर होंगी। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे जिनमें सिर्फ हैप्लॉयड सेट है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएंगे मेल में, जिन्हें ड्रोन बोलते हैं, बाई मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। मेल में क्या हुआ? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन इन फीमेल्स। फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स हैप्लॉयड होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं हनी बी में। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाई माइटोसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हनी बी में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है माइटोसिस से, उनका कोई फादर नहीं होता और कोई सन नहीं होता, ग्रैंड फादर होता है और ग्रैंड सन होते हैं।
ये डायग्राम पेज 87 पे हमारे दिया हुआ है हनी बी के बारे में, कि फीमेल में 32 हैं, मियोसिस होती है और गैमीट्स में 16 16 होते हैं। अगर ये पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हो जाए तो मेल बनेंगे, मेल में ऑलरेडी 16 होते हैं, माइटोसिस से स्पर्म्स बन रहे हैं, और ये 16 वाले अगर फर्टिलाइज कर देंगे तो 32 वाली फीमेल बन जाएंगी। क्लियर हो गया? ये डायग्राम से दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स एक्स वाई सिस्टम, मेल में 44+XY, फीमेल में 44+XX क्रोमोसोम्स, स्पर्म्स में 22+X या 22+Y, मेल हेट्रोगेमिटी, एग में 22+XX। यहाँ अगर 44+XX हो गए तो वो बन गए फीमेल, 44+XY बन गए तो वो बन गए मेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में सेम है। दूसरा सिस्टम XO सिस्टम ग्रास होपर में, जिसमें 22+XX फीमेल, 22+XX मेल, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट सेम। तीसरा है ZW सिस्टम, जो बर्ड्स में होता है XY वाले सिस्टम का उलट। यहाँ पे मेल में ZZ है और फीमेल हेट्रोगेमिटी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल फीमेल में अगेन आर सेम। और हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम जो हनी बीज में है, 32 है तो फीमेल, 16 है तो मेल। ये स्लाइड अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, नॉन क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं है मेल फीमेल को डिसाइड करने में। बोनेलिया एक मैरीन वर्म होता है, उनमें जो फीमेल होती हैं वो कोई केमिकल ऐसा सिक्रीट करती हैं जो फर्टिलाइज्ड एग्स के टच में आ जाता है तो वो एग मेल में डेवलप हो जाते हैं। अगर उस केमिकल से फर्टिलाइज्ड एग टच में नहीं आता है तो वो फीमेल बनता है। मेल इतने छोटे होते हैं कि वो फीमेल के अंदर ही रहते हैं, सिम्बायोटिकली, यूट्रस के अंदर पूरी उम्र। इसके अलावा क्रोकोडाइल, एलिगेटर और टर्टल्स में जिस समय एग डेवलप हो रहे हैं तो उनके एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर डिसाइड होता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग जो है मेल में डेवलप होगा या फीमेल में डेवलप होगा। इसी तरीके से नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम बैक्टीरिया में भी होता है, जिसमें जो प्लाज्मिड के अंदर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें एक फर्टिलिटी फैक्टर रहता है, वो डिसाइड करता है मेलनेस और फीमेलनेस। अब चलते हैं आगे। तो ये एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस हमें नज़र आ रहा है और ये सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम है, ये डबल स्ट्रैंड हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड है। इन स्ट्रैंड्स को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड हैं, ये सिंगल क्रोमेटिड है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन है, ये कैरी करता है जीन्स को, और जीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं पोर्शन ऑफ डीएनए। ये है पोर्शन ऑफ डीएनए, ये एक जीन है जिसमें कई सारी न्यूक्लियोटाइड्स पेयर में लगी हुई हैं। ये जीन क्या करता है हमने पढ़ा था, जीन अल्टीमेटली एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो किसी सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोडक्ट की वजह से अल्टीमेटली फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे हमें हमारा फिनोटाइप मिल गया। अब इस फिनोटाइप को
क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। जीन इंट्रैक्शन हमने पढ़ ली, अलीलिक, नॉन अलीलिक, पॉलीजेनिक, इंट्राजीनिक, इंटरजीनिक, प्लियोट्रॉपी, जितनी भी जीन की इंट्रैक्शंस हैं वो डिसाइड करती हैं कि ये फिनोटाइप क्या होगा। ये सब हमने पढ़ लिया। और यहीं एक टर्म आ जाता है जीनोम। जीनोम की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो जीन इंट्रैक्शंस के अलावा फिनोटाइप को एक चीज़ इफेक्ट कर रही थी, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था, वो था एनवायरनमेंट। तो ये दो चीज़ें फिनोटाइप को अफेक्ट करती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं कि क्रोमोसोम लेवल पे ही कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए जिससे फिनोटाइप अफेक्ट हो जाए। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ दो टाइप की हो सकती हैं। एक होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशंस, यानी क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट, साइज छोटा हो गया, कोई आर्म छोटी हो गई, कोई पोर्शन टूट गया, कोई पोर्शन नया जुड़ गया, इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशंस। एक होते हैं जीनोमेटिक चेंजेस। जीनोमेटिक चेंजेस क्या होते हैं? ये न्यूमेरिकल चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी फिनोटाइप्स को अफेक्ट करते हैं। तो जीन इंट्रैक्शन और एनवायरनमेंट के अलावा क्रोमोसोमल एबिरेशंस एंड जीनोमेटिक चेंजेस कैन अफेक्ट आवर फिनोटाइप। अब इस जीन लेवल पे ये न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ये ही चेंज हो जाए तब भी फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं। इनमें से जो क्रोमोसोमल एबिरेशंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के चेंजेस हैं इनको बोलते हैं म्यूटेशंस। ड्यू टू म्यूटेशंस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है और फिनोटाइप अफेक्ट हो जाता है। तो एक चीज़ तो हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस, दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे जीनोमेटिक चेंजेस, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंज हो गया जिससे फिनोटाइप अफेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उनको करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।